करनाल के गांव कैमला में हुई किसान महापंचायत में बीते रोज हुई तोड़फोड़ के मामले में पुलिस ने 800 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। 71 प्रदर्शनकारियों पर नाम से मामला दर्ज किया गया है। वहीं भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूणी के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। सभी आरोपियों के खिलाफ सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, सरकारी कर्मचारियों के साथ मारपीट करने, उन्हें धमकी देने, साजिश रचने और उकसाने के तहत कई धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। कल जो करनाल के कैमला गांव में हुआ वो सबने बड़े करीब से देखा। ना मंच बचा, ना पोस्टर, ना कुर्सियां, ना हेलीपैड, सब तहस नहस था। प्रदर्शनकारी किसानों ने कानून अपने हाथ में लिया और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के आने से पहले ही प्रदर्शनकारी किसान उस जगह पर पहुंच गए जहां मुख्यमंत्री ने 3 कृषि कानूनों के बारे में जनता को बताना था। पहले हेलीपैड, फिर मंच के पास रखा पोडियम, फिर कुर्सियां, फिर गमले, फिर साउंड सिस्टम और अंत में पोस्टर तक फाड़ दिया। कल मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी इस घटनाक्रम को लेकर भारतीय किसान यूनियन के नेता गुरनाम सिंह चढ़ूणी पर हमला बोला था। कल रात होते होते पुलिस कप्तान गंगाराम पूनिया भी एक्शन में आए और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया, क्योंकि जब कल हंगामा हो रहा था तो बड़े आईपीएस अधिकारियों के साथ साथ प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर थे, पर पुलिस उनके सामने बेबस नजर आ रही थी। भले ही अब उन प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई हो, लेकिन क्या जो कल हुआ उसे होने से रोका जा सकता था, यह एक बड़ा सवाल है। देखना अब यह होगा कि आगे किसानों की तरफ से क्या रणनीति रहती है। फिलहाल एक जांच कमेटी बनाई गई है जो लगातार उस महापंचायत वाले स्थान पर जो हुआ उसके वीडियो चेक कर रही है। फिलहाल किसी भी प्रदर्शनकारी को हिरासत में नहीं लिया गया है। करनाल से हिमांशु नारंग की रिपोर्ट। हमने कल जो ये तोड़फोड़ हुई है रैली के दौरान जो शरारती तत्व थे उनके खिलाफ हमने मुकदमा दर्ज किया है और उसमें कुछ लोग बाई नेम हैं और बाकी हम एविडेंस जो है कलेक्ट कर रहे हैं, मौके की जो वीडियोस हैं और जितनी भी हैं और उसके बाद जितने भी नामजद हैं और बाकी लोग जो सामने आएंगे सबके खिलाफ कानूनी कार्रवाई। कुल तो हमने करीब 800-900 के खिलाफ दर्ज किया है, लेकिन उनमें से कुछ बाई नेम हैं। कितने लोग उनमें से 71 हैं जो गुरनाम सिंह चढ़ूणी भी उनमें से गुरनाम सिंह चढ़ूणी भी है। 147, 149, 332, 353, 120 बी, 427 इन धाराओं के तहत क्या आरोप होते हैं और सेक्शन 3 भी लगाया है PDPP एक्ट के। ये आरोप हैं कि इन्होंने उसमें रैली स्थल में घुस के तोड़फोड़ की है, लोगों की जैसे फसल के बीच में से निकल के आए हैं उसका नुकसान हुआ है, पुलिस मुलाजमों को भी चोटें लगी हैं, दूसरे लोगों को भी चोटें लगी हैं क्योंकि हम जो VIPs वहाँ पे आए थे उनको निकाल के लेके जा रहे थे इस तरीके से इनके बीच में। तो ये सारे एलिगेशंस हैं और पब्लिक प्रॉपर्टी का भी इन्होंने डैमेजेस किया है, जो नुकसान किया है, ये सारे एलिगेशंस हैं। इन्हीं एलिगेशंस के तहत हमने ये फिलहाल एक ही टीम जाँच कर रही है, आगे जैसा भी आगे बढ़ेगी जो एविडेंस हम कलेक्ट करेंगे उसके। हाँ बिल्कुल, जल्दी गिरफ्तारी होगी, इनके खिलाफ कार्रवाई की।